दिवाली तो दिवाली निकाल देती है, होता त्योहार है लेकिन लोगों पर दिवाली निकाल देती है वो। लहसुन की अभी खरीदे हैं क्योंकि लहसुन अब दिवाली के बाद हो सकता है और बढ़ जाए। 1000 रुपए किलो होगा तो भी लेंगे यार, मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा। पब्लिक परेशान भी हो रही है क्योंकि रेट बहुत टाइट है, गरीब आदमी 20 रुपए 30 रुपए का लेके जा रही है। ये लोग एक एक दो दो पोथियां खरीद के जा रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी है और फिर बीच में दाम जो ऐसे बढ़ रहे हैं सब्जियों के, तो लोग क्या खाएं, क्या कमाएं और कैसे दिवाली हैप्पी मनाएं। पिछले साल तो पूरे साल 200-250 था, इस साल तो 300 से ऊपर ही बिक रही है, तो हो सकता है 600 से भी ऊपर चले जाए। नहीं प्याज बिक रही है, प्याज जब मिलेगी नहीं मार्केट में आदमी को तो आदमी खरीदेगा ही, भाई भूखा तो कोई रहेगा नहीं। नमस्कार, न्यूज 18 लोकल मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे। देखिए लहसुन के भी आजकल बहुत नखरे हो चुके हैं प्याज के बाद। प्याज की बात करें तो 2 किलो की लिमिट लगा दी गई है प्याज खरीदी पे। इसी बीच लहसुन के भी बहुत भाव बढ़ रहे हैं और पिछले एक साल में बात करें तो 350 रुपए से नीचे ही नहीं आई है लहसुन। इसी को लेके एक दुकानदार है, मंडी पे खड़े हैं हम, तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या डिमांड चल रही है लहसुन की और रेट इस समय वर्तमान में क्या चल रहा है। तो देखिए प्याज का कुछ काम कर रहे हैं भैया, मैं बैठने की कोशिश कर रहा हूँ जी। भैया क्या नाम लिखते हैं? मोहम्मद वसीम। बात करें तो क्या चल रहा है सब्जी मंडी का इस समय हाल? भाई सब्जी मंडी में लहसुन अभी बिक रहा है 25,000 से 30,000 रुपए क्विंटल। अच्छा। और ये फुटकर में बिक रहा है 350 रुपए किलो से 400 रुपए किलो के बीच। अच्छा लहसुन। अच्छा जी, ठीक ठाक जो दिखने में हाँ 350 से 400 के बीच रहेगा इसका रेट फुटकर में। अच्छा बात करें तो अब डिमांड कैसी आ रही है, खरीद रहे हैं लोग, आ रहे हैं खरीदने के लिए? लहसुन की अभी खरीदे हैं क्योंकि लहसुन अब दिवाली के बाद हो सकता है और बढ़ जाए, क्योंकि दिवाली के टाइम पे लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं तो ये सब चीजें बिक जाती हैं मार्केट में। अब इसका रेट अगले 3 महीने तक बढ़ेगा क्योंकि ये फरवरी तक नहीं आएगा नया लहसुन, जब तक नया लहसुन नहीं आएगा इसके रेट बढ़ते ही जाएंगे। अब हो सकता है ये 600 तक भी चले जाए, 600 तक लहसुन टच कर सकता है, टच कर सकता है। पिछली साल 600 बिका है। अच्छा, पिछली साल लास्ट में 600 बिका है, तो पिछले साल तो पूरे साल 200-250 होता है, इस साल तो 300 से ऊपर ही बिक रही है, तो हो सकता है 600 से भी ऊपर चले जाए लहसुन। पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, पिछली साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अभी जो मार्केट में लहसुन है वो नया है कि पुराना? पुराना है, पुराना लहसुन है। नया लहसुन फरवरी में आएगा। अच्छा, फरवरी के बाद मार्केट में नया लहसुन आएगा? फरवरी में ही आएगा, जनवरी के बाद आएगा, फरवरी में आएगा, तब तक ये लहसुन के रेट नहीं गिरेंगे। अच्छा, लहसुन के रेट ऐसे ही रहेंगे। पब्लिक परेशान भी हो रही है क्योंकि रेट बहुत टाइट है, गरीब आदमी 20 रुपए 30 रुपए का लेके जा रही है। अच्छा, एक एक दो दो पोतियां लेके जा रही है, काम चला रही है। हाँ। बस यही इसकी हालत। प्याज के बाद प्याज का क्या हाल चल रहा है इसमें अभी? प्याज भी बहुत, प्याज भी अभी हाई चल रही है, ये समझ लीजिए आप 4,000 रुपए क्विंटल में मंडी में किसान प्याज कैंसिल करवा रही है। अगर 4,000 के रेट आ रहा है तो किसान कह रही है नहीं हम नहीं बेचना, मतलब उससे भी ज्यादा चाहिए। तो ये फुटकर में अभी अपन तो खैर 50 बेच रहे हैं लेकिन 60 रुपए किलो तक का मार्केट है ये, अच्छी प्याज है, अच्छी प्याज है। हाँ। जो थोड़ा सा छिलका वगैरह उतरा रहता है उसके रेट कम रहते हैं। अच्छा, तो बात करें प्याज की डिमांड कैसी चल रही है, लोग खरीद रहे हैं कि भी कतरा रहे हैं खरीदने? नहीं, प्याज बिक रही है, प्याज जब मिलेगी नहीं मार्केट में आदमी को तो आदमी खरीदेगा ही, भाई भूखा तो कोई रहेगा नहीं, बस यही है इसका, खरीद रही है प्याज पब्लिक। प्याज और बात करें लहसुन के नखरे बढ़ चुके हैं अभी, बहुत बड़े हुए हाई रेट है। बात करें और सब्जियों के आप दाम बताएं, टमाटर क्या रेट चल रहा है अभी? टमाटर अपन बेचते तो नहीं है लेकिन टमाटर अभी 40 से लेके 80 रुपए किलो के बीच तक चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, कभी 80 बिकता है तो कभी 40 कभी 60, ये इसके रेट है टमाटर के, हाई रेट चल रहा है टमाटर के। आलू की बात करें, आलू हर चीज में मिल जाता है, ये आलू है किसी में भी मिला दो आप, किसी भी सब्जी में, क्या रेट चल रहा है आलू का? आलू ये फुटकर में तो भाई समझ लीजिए 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है, अच्छा आलू 37-97, बाकी हाइब्रिड आलू 30 रुपए किलो से 25 रुपए किलो तक बिक रहा है, और मंडी का रेट है तो मंडी में 2500 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है, 2500 से 3000 रुपए क्विंटल तक। बिल्कुल, तो देखिए प्याज के साथ साथ अब लहसुन भी रुलाने लगी है, और बात की जाए तो विक्रेता ने बताया कि इस साल पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी लहसुन, और कहा जा रहा है 600 से ऊपर जा सकती है, तो खरीद लीजिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो और पिछले अगले 3 महीनों में लहसुन के दाम और बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, और फरवरी में लहसुन नहीं आएगी, उससे पहले ये जो लहसुन के रिकॉर्ड दाम छूने वाले हैं। तो इसी को लेके हम मंडी आए थे, देखिए लहसुन रखी है और डिमांड बढ़ रही है, लोग एक एक दो दो पोथियां खरीद के जा रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी है और फिर बीच में दाम जो ऐसे बढ़ रहे हैं सब्जियों के, तो लोग क्या खाएं, क्या कमाएं और कैसे दिवाली हैप्पी मनाएं। तो इसी को लेके जुड़े रहिए मेरे यानी अनुराग के साथ, आप देख रहे थे न्यूज 18 लोकल मध्य प्रदेश। 1000 रुपए किलो होगा तो भी लेंगे यार, मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा। अच्छा, प्याज में भी सरकार ने लिमिट लगा दी है कि 2 किलो ही खरीद सकते हैं।
अरे अब ऐसा तो कुछ नहीं होगा, प्याज तो सस्ती भी है महंगी भी है दोनों है उसमें। अच्छा हाँ, सस्ती वाली खाता है आदमी छिलका उतार के। 400 रुपए किलो बिक रही है इस समय लहसुन, और कहा जा रहा है कि अगले 3 महीने में 700 से ऊपर जा सकता है। वो तो भी खाना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। अच्छा लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, कुछ भी दाम हो जाए घर तो चलाना है यार। महंगाई बढ़ गई है दिवाली से पहले। अब वो तो हर साल ही बढ़ गई है वो। महंगाई तो ऊपर ही जा रही है। दिवाली तो दिवाली निकाल देती है, होता त्योहार है लेकिन लोगों पे दिवाली निकाल देती है वो, दिवाली दिवाला कर देती है। हाँ। अच्छा तो कैसे किचन मैनेज करेंगे जब खाने की चीजें महंगी हो जाएंगी तो कैसे फिर? अब वो तो आदमी जहाँ 8 घंटे काम करता 10 घंटे काम करेगा और मजदूरी बढ़ा देगा और क्या पेट पालने के लिए। सही है, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा शुक्रिया।